क्या होगा अगर दुनिया में कोई भी ना सोए। आज की मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां एक ऐसा वायरस फैलता है जिसमें किसी को नींद नहीं आता और वो कई हफ्तों तक आदमी उसमें जागता है। वो लोग इसका मुकाबला कैसे करते हैं और इनके साथ क्या होता है, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम जील नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में काम करती है, जो ड्रग्स चुराती है और उसे सेल करती है। उसके दो लड़के हैं, लड़की का नाम मलिंडा और लड़के का नाम नॉय होता है। उन दोनों की देखभाल उसकी दादी करती है। हमें ये भी पता लगता है कि जील के हस्बैंड एक मिलिट्री में थे, उसकी मौत हो गई कुछ साल पहले। वो अपने बच्चों को कार में लेकर वहाँ से जा रही होती है घूमने के लिए। रास्ते में जाते समय उसके कार के कुछ डिवाइसें काम करना बंद कर देती है जिससे उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार लेक में चली जाती है, वो लोग डूबने लगते हैं, वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकालते हैं। जेल की लड़की मलिंडा वहाँ पे नहीं होती है, उसको पुलिस वाले बचा रहे होते हैं, उसकी जान बच जाती है। पुलिस वाले से पता लगता है कि पूरे शहर में लाइट चली गई है, पता ना क्यों हो रहा है, वो लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल जाने को कहते हैं, वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ की हालत और ख़राब हो गई है। जील की कार का जिस तरह एक्सीडेंट हुआ है उसी तरह सबकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पर जो लोग बेहोश होते हैं वो जाग जाते हैं, उसके बाद वो लोग अपने घर जाते हैं। रात होती है, जील को नींद नहीं आ रही थी, मलिंडा की दादी को भी नींद नहीं आ रही थी। जील अपने लड़के नॉय के पास जाती है, वो भी नहीं सो पा रहा था। वो आसमान में देखते हैं जहाँ सेटेलाइट जमीन पर गिर रही होती है। यह देखकर जील मलिंडा को देखती है सो रही है। वो साइकिल लेती है, अपने काम पर जाती है। वो कार से नहीं जा सकती क्योंकि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। वो वहाँ से जाती है, वो ड्रग्स वालों आदमी से मिलती है जो उसे ड्रग्स मांगता है, उसके लिए वो दुगने पैसे देगा। जील उस ड्रग्स को चुराने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर मिलिट्री आती है और साथ में मर्फी भी होती है। वो उसे चोरी करते हुए देख लेती है, लेकिन उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो उससे पकड़े और माफी एक हब बनाना चाहती है जिससे वो इलाज ढूंढ सके। वो ये भी बताती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जाती। वहाँ पर एक आदमी होता है जो मर्फी के लिए काम करता है। वो बताता है कि आदमी सो नहीं सकते, ये पूरी दुनिया में फैल गया है। आपको पता है कि अगर कोई इंसान नहीं सोएगा तो उसके साथ क्या होगा। जील कहती है कि मेरी बच्ची तो सो रही है। वो कहता है कि कोई भी इंसान सो नहीं सकता, कोई भी आदमी मरने के बाद ही सोएगा। और ये भी बताता है कि अब बेहोश जैसी कोई चीज नहीं है। जील ये सुनकर साइकिल लेकर अपने घर जाती है। घर पर उसकी लड़की नहीं होती है, उसकी दादी उसे चर्च लेकर गई है। चर्च में एक फादर होता है जो सबको समझा रहा होता है कि ये दुनिया का अंत की शुरुआत है। उसके बाद फादर मलिंडा के पास जाता है और उसे सोने को कहता है, लेकिन वो अभी नहीं सो सकती। तभी फादर उसे कुछ स्टोरी सुनाता है और वो सो जाती है। फादर चर्च में जाता है, उन लोगों को समझाता है कि एक छोटी लड़की अंदर सो रही है। फादर बोलते हैं जब वो सो सकती है तो हम भी सो सकते हैं। इधर हम जील को देखते हैं जो इधर चर्च में जाती है, साथ में वो आदमी भी होता है जो उन मर्फी के लिए काम कर रहा था। वो लोग शहर से होकर जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उस शहर में तबाही मच रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इधर चर्च में देखते हैं मलिंडा भी आ जाती है, वो लोग उसे बलि देने को कहते हैं, अगर उसकी बलि दे दे तो ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फादर मना करते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, हमें प्रार्थना करनी होगी। तभी वहाँ जील आ जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए, पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है। मर्फी का आदमी कहता है कि इसका इलाज मिल सकता है अगर इस लड़की को हम लोग लेकर जाए होप में, लेकिन वहाँ कोई नहीं चाहता कि उस मलिंडा को आर्मी वाले उसके पास लेकर जाए। तभी पुलिस वाला उसे मार देता है, सभी लोग ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। मलिंडा की दादी उसे छुपा देती है, जील को बता देती है कि वो उसकी लड़की कहाँ पर है। जील अपनी लड़की के पास जाती है, उसे बचा लेती है, वो वहाँ से भागने की सोचती है। नॉय उस आदमी के पॉकेट में से हब का पता निकालता है, वो लोग जंगल से होते हुए जाते हैं। जील को चाहिए एक कार जिसे वो कहीं जा सके, वो एक गैरेज में जाती है। वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं जो एक आदमी को मार रहे होते हैं। वो आदमी एक कार को स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो दोनों एक कार को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें ये भी पता लगता है कि पुराने मॉडल की कार ही चल सकती है। जील छुपी होती है और वो एक कार की चाबी चुरा लेती है। वो लोग कार की चाबी लेकर उस कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जील एक कार को लेती है, अपने बच्चों के पास जाती है, उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जील की आदाज कमजोर हो रहा है, वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उसको एक कार दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं तो वो दोनों आदमी होते हैं जो कार लेकर आए होते हैं, उन लोगों को कोई मार दिया है। वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है, वो देखते हैं कि लोग पागल हो गए हैं। वो कार लेकर एक लाइब्रेरी के पास जाते हैं, मलिंडा को सर्वाइव करना सिखाती है, वो बुक पढ़ना और गन चलाना सिखाती है, लेकिन वो नहीं सीखना चाहती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसके बाद वो कार में चली जाती है। इधर हम शहर में देखते हैं कि
जेल से कुछ कैदी निकलते हैं और एक कैदी उस कार की तरफ आता है। ये दोनों उस हब का लोकेशन ढूंढते हैं। जिल देखती है कि कुछ कैदी बाहर आए हैं, वो अपनी कार की तरफ जाती है तो कोई कार लेकर भागता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कैदी आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है कि मुझे वो बंदूक दे दो, लेकिन वो बंदूक नहीं देती, वो अपनी सेफ्टी के लिए उस बंदूक के रखी होती है। वो आदमी उसकी तरफ आता है, वो उस पर गोली चलाती है। उस गन के सिर्फ एक ही गोली होती है। ये देखकर वो आदमी उसकी तरफ आता है। तभी वो आदमी जो कार लेकर गया है वो उसके पास आता है। उसका नाम डोज होता है। वो उन दोनों को कार में बैठाता है, उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जेल गन तान कर पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं जेल से भागा हूँ। तभी वो एक जगह कार को रोकता है, वहाँ पर प्लेन एक्सीडेंट हुआ है। डोज उस गन ले लेता है और डीजल ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ पर जेल अपनी लड़की को लेकर जाती है, उसे डीजल निकालना सिखाती है। डोज और नोवा कुछ सामान ढूंढने के लिए गए होते हैं जिसे उसे काम आ सके। डोज को पता लगता है कि वो इलाज ढूंढने वाले हैं, वो भी उन लोगों के साथ चला जाता है। रास्ते में जाते हैं तो जेल अपनी कार को मलिंडा को सिखा रही होती है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो कुछ इंसानों को उल्टा लटकाए होते हैं। वो उनकी कार पर हमला करते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके बच के वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग हब पर पहुँच जाते हैं। डोज कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेल हुब पर जाने से पहले अपने बच्चों को समझाती है कि अगर वो वहाँ से नहीं आती है तो उन्हें खुद जीना सीखना होगा। उसके बाद वो जैसे तैसे करके वो अंदर जाती है। वहाँ पर एक डॉक्टर से पूछती है कि सोने की दवा कहाँ है, उसे बताता है। जेल वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जिसका खून वो लोग निकाल रहे होते हैं। तभी औरत उसे हेल्प मांगती है और कहती है कि मुझे जाने दो। जेल अपनी लड़की को उस औरत के साथ रखना चाहती है क्योंकि वो सो सकती है। तभी वहाँ पर मर्फी आ जाती है और उसके बीच बातें होती है। मर्फी अपने लड़के के बारे में पूछती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी फैमिली कहाँ है। मर्फी कहती है कि मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा और यहाँ पर सभी लोग मर जाएंगे एक दिन, यह सुनकर वहाँ से वो चली जाती है। तभी वो देखती है कि डोज और उसकी फैमिली को आर्मी वाले पकड़ लिए हैं। वो उसे बचाने के लिए जाती है, आर्मी वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। मलिंडा कहती है कि मैं सो सकती हूँ। उसके बाद तीनों को लॉकर में बंद कर देते हैं और मलिंडा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक चिंपैंजी का बच्चा होता है, उसका दिमाग वो लोग खोल दिए हैं और इथर को सुंघाकर उसे सुला देते हैं। मेलिंडा को भी इथर सुनाकर उसे सुला देते हैं। मर्फी को पता लगता है कि वो सो सकती है तो वो जेल के पास जाती है और उसे डांटती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जेल को देखते हैं जो अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मेलिंडा को सुलाकर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़ी औरत मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेल का दिमाग काम नहीं कर रहा है, अनाप शनाप बातें सोच रही है। आर्मी वाले दुश्मन समझकर अपने आप पर ही गोली मारने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो समझते हैं कि वो उसके दुश्मन है लेकिन दरअसल वो उसके आदमी थे। जेल वहाँ से निकलकर अपनी लड़की को बचाने के लिए जाती है। नोए का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो एक लाइट को छूता है जिससे उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो मर जाता है। मलिंडा जाकर हार्ट शॉक मशीन लाती है और उसे शॉक देती है, वो नहीं जागता। उसके बाद सुबह होती है, नोए को होश आता है। वो लोग वहाँ से जाते हैं, जेल अब मरने वाली है। वो लोग उसे कार में लेकर जाते हैं। मलिंडा को एक आइडिया आता है इस वायरस के इलाज के लिए। वो अपने भाई को बताती है कि अगर वो लोग अपनी माँ को मार देंगे तो वो जिंदा हो जाएगी, क्योंकि जब वह पुलिस वाले उसे बचा रहे होते हैं तो वो मर गई थी और नोया भी मर गया था, मतलब कि उसे मार देंगे तो वो बच जाएगी। उसके बाद वो दोनों उसे पानी में लेकर जाते हैं, उसे डुबो देते हैं, उसकी मौत हो जाती है और उसे बाहर निकालते हैं तो कुछ टाइम बाद लगता है कि वो मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो जिंदा हो जाती है। हमें ये पता लगता है कि इस वायरस का सिर्फ एक ही इलाज है, किसी इंसान को मारकर उसे जिंदा करना। और इसी के साथ ही यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ही ना।